ये केस वहां रजिस्टर हो चुका है और अब ये सात जिंदगी भर का है। एक मिनट, तुम इस लड़की की खातिर अपने मां बाप को छोड़ दोगे? मैं नहीं छोड़ रहा अबू, आप निकाल रहे हैं। अगर मेरी बीवी इस घर में नहीं रह सकती तो मैं नहीं रह सकता। बड़ों की मौजूदगी में सरगोशियां नहीं करते, बुरी बात है। और हमजा, ये नीचे क्या देख रहे हो, क्या हुआ है? कुछ नहीं एक्चुअली, वो हालांकि पहुंचे में खोंचा लग गया तो वो परेशान हो रही। कुछ फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता मेरे पीछे बोलो, कुछ बोलो, कुछ कुछ फर्क फर्क नहीं पड़ता, नहीं पड़ता। रोने वाली क्या बात है आला, अटक जाते हैं कपड़े यार, इट्स ओके। वैसे ही हुआ कब, मैं तुम्हारे साथ तो था। पहले का लगा हुआ है। पहले मतलब? और ये अलमारी में नहीं रखे तुमने? ये पहन लो, ये कलर तुम पे बहुत सूट करेगा। इस पे ब्लीच लगा हुआ है। तुम अपना कोई काम ध्यान से क्यों नहीं करती वाला? ब्लीच कैसे गिर गया? मैंने नहीं गिराया, रूमी से गिर गया था। तुम्हारे कपड़ों पे ब्लीच रूमी से गिर गया था? भी रूमी क्या? What? रूमी से गलती से ब्लीच गिर गया था तो उसने मुझे दे दिया। तो जब रूमी के लिए सूट खराब है तो तुम्हारे लिए भी खराब है ना? तुमने लिया क्यों? मैं पहन लेती। अब नहीं पहनोगी, ओके? ये वाला पहन। बहुत लूज है। तो अपने साइज का सिलवाना था। मैंने नहीं बनवाया, जमीन ने बनवाया था। टेलर ने उसका सूट खराब कर दिया तो मुझे दे दिया। तुम्हारे पास अपने कोई कपड़े हैं? ये है ना, लेकिन ये फट गया आज। ये एक, और उसकी भी ये हालत है? नहीं तो, ईद पे तो बनवाया था। For God's sake, आला, ईद को एक साल हो गया है। ये वाली नहीं, इससे पिछली वाली। उठो। किधर? चलो चलो। उठ गई। ये जूते ये तुम्हारे? ये मेरे अपने हैं। Of course. चल चलो, कपड़े तो बदल लूं। ऐसे कोई कसर नहीं छोड़ी उसने मेरी बेइज्जती करवाने की।
क्या सोचती होंगी अगलियां। इतनी आवाजें दी मैंने सोफिया को, मगर वो ना आई। अच्छा चले छोड़ देना, मां रहने दे, खामखा ऐसे गुस्सा करेंगी आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। ऐसा ही कब रहने दिए तुम लोगों ने। सबिया क्या कह रही थी कि जोड़ा सादा है। अल्लाह ने मेरी जुबान रोकी, वरना मैं तो कहने लगी थी कि सादा सही मगर पहना हुआ तो है ना। शाहजहान का बस चलता ये भी उतरवा लेती। अम्मा छोड़ दीजिए ना, कम से कम इस हद तक तो ना जाए ना। अरे इसे उठा ना, माश के आटे की तरह से ऐंठी बैठी है। जाए बाजार, बहू को कपड़े दिलवाए, जूते दिलवाए, कफन ना लाकर दूं उसे, अपने लिए ले लेना। जुबान ना कांपी दो दिन की ब्याहता के लिए ऐसे अल्फाज बोलते हुए। शाहजहान अब नहीं बोल रहा है तुम्हें, चुप रहो। चल ला नोट निकाल, पैसे दे मुझे, मैं खुद जाके खरीद लूंगी। ना ये वाले नहीं, वो जो नहीं होता कार्ड सा जिसको मशीन में डालते हैं तो फिर बहुत से पैसे निकलते हैं, वो। क्यों अम्मा? क्यों से मतलब? ये वलीमे के इंतजाम नहीं करने क्या? वलीमा? और सिर्फ वलीमा क्यों, मेहंदी, बारात, माइयों, सब दुनिया देखेगी रिफत तारा के पोता पोती की शादी को। छोड़िए अम्मा, कोई जरूरत नहीं है इन फजूलियात की। हाय अल्लाह रईस, क्या हो गया, वलीमे को फजूल कह रहा है? सुन्नत है, कम अकल ना हो तो। हाँ ठीक है, लेकिन इतना खर्चा करने की क्या जरूरत है, इतने पैसे नहीं है मेरे पास। हाय क्यों नहीं है पैसे, अभी जो हाला की शादी के लिए नफीस से लिए थे वो। रूमी, रूमी पानी लाओ मेरे लिए। जी अब्बू लाई। हाँ पी ले पानी, ऐसे आसानी से तो हजम होंगे नहीं वो पैसे। माशाल्लाह माशाल्लाह, चश्मे बदूर, आजा मेरी जान। कहीं जा रहे हो? शॉपिंग पर लेकर जा रहा हूँ दादी से, एक दो ड्रेसेस हैं वो भी पता नहीं इतने पुराने किसी के मांगे में। हाय एक जोड़ा क्यों, सब कुछ दिलवाना है इसको अपनी पसंद का। हाँ और खास तौर पर ना वलीमे का जोड़ा। वलीमा? हाँ हाँ वलीमा, इसी इतवार को होगा। अरे रईस दे देना पैसे। अरे तू तो ऐसे सोच में पड़ गया जैसे मैंने गुर्दा मांग लिया हो तेरा। और तेरे कौन से अपने हैं, नफीस के हैं, ला पकड़ा। अरे दे रहा हूं ना अम्मा, क्या हो गया आपको, ये लीजिए ये दो। भाई मैं भी चलूं, मेरे इकलौते भाई की शादी है, मेरे भी जोड़े खरीदने, बहुत सारी शॉपिंग करनी है और इतना कम टाइम है। बोलने की क्या बात है, चलो तुम अपनी माँ के लिए भी कपड़े ले आना। मेरे लिए कफन ले लेना। हाँ अभी बोला है ये फूफो ने, कर देना इसकी भी फरमाइश पूरी। भाई चले। चलो ना, तू किधर चली, आराम से बैठ मेरे पास, अभी ये दोनों जाएंगे बस। आने दे दादी, चलो। अरे कहा है ना मैंने कि तुम दोनों जाओगे बस, रूमी मेरे पास रहेगी। ये ले अपनी मर्जी से जो जी चाहे खरीद लेना, है ना? जा मेरा बच्चा। नहीं, आपने करा, आपने उनकी जॉब है अलग। नहीं नहीं
मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं अपने जूते खुद पहन सकती हूं। आप जाएं प्लीज। थैंक यू। कर लूंगी। नहीं मुझे अच्छा नहीं लगता। लेकिन मुझे अच्छा अच्छा लग रहा है ना? हाँ जी। अब घर चलें? अभी किधर, अभी तो एक ही लिया है। ये नहीं, इतने सारे मुझे इतने जूतों की आदत नहीं है। अब डाल लो। अच्छा अच्छा, बस शॉपिंग, हम अब घर चलें। अभी कैसे? अभी रिसेप्शन का ड्रेस लेना है, अगर वो ना लिया तो दादी एंट्री नहीं होने देंगी घर में। ये ट्राई करो फिर चलें। पसंद आया? आप ही को बता दीजिए इन कलर्स अगर हो। सर ये वलीमे के लिए तो लाइट कलर भी पसंद किए जाते हैं, ये देख लें। मैं आप देख लें, बेज ऑफ है और बॉटल ग्रीन है, ग्रेइश कलर है, ये देख लें। सर ये पिंक कलर, ये भी अच्छा है। ये अच्छा लग रहा है। ये पसंद आ रहा है तुम्हें? अच्छा है। एक्चुअली अच्छा है। माशाल्लाह आपकी लोगी ट्राई बहुत अच्छी है। थैंक यू। ये ट्राई करा देंगे ना प्लीज? जी जरूर। गुड ट्राई। चल गुड ट्राई। आजा ट्राई करो। चल। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हेल्प कर सकती हूँ आपकी? इन्हें कुछ कपड़े दिखाइए डिफरेंट कलर्स में। इनके लिए जी। ओके ओके, आइए मैम। क्या ठीक है? का मतलब है आप मुबारकबादियां वसूल करेंगी? हाँ, मेरे पास बस दो ही रास्ते हैं, अपनी नफरत का बर्मिला इजहार, जिससे मेरी बेबसी और मेरी शिकस्त सारी दुनिया को नजर आ जाएगी, और दूसरा रास्ता यह है कि मैं अपने चेहरे पर मकूटा चढ़ा लूं। शिकस्त खुर्दा होना और शिकस्त खुर्दा नजर आना दो मुख्तलिफ चीजें हैं सूफिया। दुनिया मुझ पे हंसे, मुझ पे उंगलियां उठाए, मेरा मजाक उड़ाए, मैं सह नहीं पाऊंगी। मैं जरूर शिरकत करूंगी। फूफो ने कह दिया है, वो आती है तो आए, नहीं आती है तो ना आए। वो कह सकती है। आप तो मजबूत हैं शाहजहां आपा, मैं नहीं हूं। मैं अपनी बेटी के अरमानों के जनाजे पे नहीं जा सकती। आपने देखा है आपके बेटे ने कितनी शॉपिंग कराई है उसे? दोनों हाथों तीन चक्रों में वो सारा सामान कमरे में पहुंचाया है। बस मत बताओ, मत बताओ, बस बस। अब ट्राई भी कर लो कि देख देख कर ही खुश होगी। करती हूँ। मैं बताऊँ कौन सा करो? ये वाला करो। ये वाला? हाँ अच्छा लगेगा।
सारे बेड पर इस लड़की ने। हेलो, मैं आप लोगों की शॉपिंग देखने आई हूँ, क्योंकि आप तो सीधा ऊपर आ गए थे। उससे पूछ तो लो जिसकी है। ऐसी फजूल बातें करती है ये। ज़हमत की मुझे बुलाना होता नीचे। आप क्यों चढ़ाई हैं सीढ़ियाँ? इतनी सारी शॉपिंग और इसमें से तो एक भी चीज मेरे लिए नहीं है। बंदा कुछ ले ही लेता है छोटी बहन के लिए। शॉपिंग उसकी करने गए थे, तुम्हारी नहीं। तो जब लेकर जाएगा ना तुझे साथ, फिर अपनी पसंद से ले लेना। वैसे हमजा, तूने मेरे लिए कुछ खरीदा? आपको भी साथ ले जाऊंगा दादी। अरे मैंने कहा कहीं बाहर जाना है, जो जी में आएगा ना ले लेना। इसे अपनी माँ से जरूर पूछ लेना। ऐसा मुंह सुजाए बैठी हुई है। वैसे तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, मगर फिर भी। माशाल्लाह माशाल्लाह, कितने सज रहे हैं इसके कपड़े। ये जोड़ा तो बहुत ही प्यारा लग रहा है। दादी नए कपड़े तो मैंने भी पहने हैं, मुझे तो कभी प्यार नहीं किया। आजा आजा, तू भी प्यार ले। जीता रहे बेटा। माशाल्लाह, जब सादगी में इतना रूप उतरा है मेरी हाला पर, तो जब पार्लर से तैयार होगी तो फिर क्या शान निकलेगी। ये भी पार्लर जाएगी? हाँ, तो तेरा ख्याल है तू होगी। क्यों, मैं क्यों नहीं होंगी? दूल्हे की बहन हूँ मैं। तो दुल्हन तो नहीं है ना? भाई मैं पार्लर से तैयार नहीं होंगी। मजाक कर रही है यार, हो जाना तुम भी तैयार। तो मैं फिर अपॉइंटमेंट ले लूं? ले लो। दादी हमारे कमरे में आई है, चाय पियेंगी? अरे नहीं बेटा, चाय की क्या जरूरत है। दवाई खा रही हैं आप? सही। हाँ बेटा, मेरी फिक्र ना करो, बस मैंने तुम दोनों को देख लिया, मैं ठीक हो गई समझो। जब नफीस इसे यहाँ छोड़कर गया था ना, तो मुझे लगा था कि इस बुढ़िया पर बहुत जिम्मेदारी डाल दी, मगर पता नहीं कब कैसे इसने सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर डाली, बजाय इसके कि मैं इसको पालती, इसने मुझे पालना शुरू कर दिया। आईब्रोस नहीं बनवाई आपने? नहीं। क्यों? कभी पार्लर गई नहीं। वैसे आपको जरूरत भी नहीं है, आप खुद माशाल्लाह से इतनी प्यारी हैं। आप बालों में क्या लगाती हैं? आपके बाल इतने हेल्दी हैं। वो दादी सरसों का तेल लगाती है, तो मैं वही लगा लेती हूँ। ओ, कहाँ से लेके आई हैं आप इन्हें? इतनी सीधी सी भाभी कहाँ से ढूंढ ली आपने? क्या हमाकत कर दी है तुमने? नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। अरे नहीं नहीं, मैं तो इनकी तारीफ कर रही थी। इतनी मासूम और सिंपल लड़की आजकल होती कहाँ है। वो दरअसल ये मेरी चाचू की बेटी है, मेरी कजिन है। और हम सभी ऐसी हैं, मुझे देख ले मैं कितनी मासूम हूँ। जी जी। शुरू करें फिर। आपने सोच भी कैसे लिया कि हम जाएंगे? लोग नोट करेंगे सोफिया। तो करे, दुनिया को भी पता लगे क्या हाथ दिखाया है हाला ने, नहुसत की हाला। सोफिया, लोगों के आगे तमाशा नहीं बनाते, और मेरी बेटी इतनी कमजोर नहीं है, उसके लिए दुनिया उतनी ही रोशन है। समीन, चलो दिखा दो सबको कि तुम्हें परवाह नहीं है। परवाह है, बहुत परवाह है अबू। मुझे लगता है कि मेरा दिल बंद हो जाएगा। आप जाएं जलील साहब,
आपने पहले हमारी कब सुनी है? खुद का बाप तो बाहर बैठा है, ताया ससुर भी गया, बाप बनके उसके सर पर हाथ रख देना। अगर तुम दोनों मेरे जाने से राजी नहीं हो तो ठीक है, मैं नहीं चाहता। हम कौन होते हैं? तुम्हारे बाप ने तो उस पर हमेशा तरस ही खाया है, और आज वो अपनी खुशियों में घिर के हम सबको नजरअंदाज कर गई। रहने दे अब्बू, अम्मी आप तैयार हो जाए, हम दोनों शादी पे चलते हैं। नहीं समीन, समीन इतना गहरा जख्म लगवा लिया समीन, और जो दिल पे लगे हैं वो काश वो नजर आते। तेरी जात में ही छुपी मेरी ही कहानी है, जिक्र तेरा याद रहे रात आंखों में। भाई भाई ये हाला को देखे, उसके खुदारे का पता नहीं क्या मसले। मैं नहीं करूंगा तो और कौन करेगा? कैसे हो शुक्रिया मुझको जो चुन लिया, हाले दिल न कह सके तुमने तो सुन लिया, अहदे मोहब्बत को पूरा किया, दर्द दिल का लेके
तो जनाब इसीलिए ऑस्ट्रेलिया से खाली हाथ आए। बिल्कुल, और हैरत की बात तो ये है भाई साहब ने सरा से भी फिनक नहीं पड़ने दी, इतने घुन हैं भाभी आपकी सरताज। तुम लोग जितनी भी कोशिश कर लो इसको मेरे खिलाफ नहीं कर सकते। बिल्कुल चांद सूरज की जोड़ी लग रही है। चांद और सितारा के लिए जी आंटी, चांद और सूरज तो भाव ही नहीं होते, एक दिन का मुसाफिर और एक रात का राही। वाह भाई वाह, फिलोसोफर। ये तो मैंने सोचा ही नहीं, माशाल्लाह चांद और तारा लग रहे हैं दोनों। बहुत बहुत मुबारक। अच्छे लग रहे हो। थैंक यू। दुल्हन से मिल लो। माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हो। मैदाने जंग में दो कदम पीछे हटना पड़े ना तो ये शिकस्त का ऐलान नहीं होता, हिकमत अमली होती है ताकि दूसरा वार कारी साबित हो। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूं? देख लिया क्या? तुमने कितनी दफा कहा है कि तुम सिर्फ मुझे देखा? यकीन करो तुम्हारा हस्बैंड एक बहुत हैंडसम आदमी है। बिल्कुल, ये जो ठंडक है ना तुम्हें लग रहा है एसी की कूलिंग है? इन सब लड़कियों की ठंडी आए हैं कि मैंने क्यों नहीं मिला?
मुझे होना चाहिए था ना, वो मेरी जगह है। मुझे यहाँ पे नहीं रहना, चले यहाँ से, मुझे ले जाए यहाँ से। अबू मुझे यहाँ से ले जाए, मेरे सीने रुक जाएगा, प्लीज चले ना यहाँ से। चल चल ये बत्तियां इसलिए तो नहीं है? तुमने कहा था ये ऐसे नहीं होते, जो समझ नहीं आई थी कैसे, अब सही? मेरा ये मतलब नहीं था। मुझे तो ये समझ आई थी, अभी भी कोई कमी है तो बता दो। पीछे दीवार है और खिसकने की जगह नहीं। तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो मुझसे? कैसी? मैं अब तुमसे इस वक्त डॉलर के बढ़ते रेट के बारे में या न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में बात करूंगा तो अजीब लगेगा नहीं? अगर तुम उस सुबह ना आते क्या होता? और आऊंगा। मैं उस वक्त से निकल नहीं पा रही हूं। अगर तुम ना आते तो कैसे ना आता? जब अल्लाह किसी को भेजता है तो क्या कोई रुक सकता है? तुम्हें अल्लाह ने भेजा था, और अगर खुदा ना पड़ता तो नहीं आते? मैं इस वक्त अपनी पूरी रजामंदी से यहां। ओके? तारीम, अगर सहाना कुछ नहीं होती, सिर्फ हौसला होता और वो चेंज जाता है। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। ऐसा ही है, वरना आज उसकी जगह मैं होती ना। बता बता। भूल जाओ उसे बेटा, ऐसे खुद को अजियत नहीं देते। मैं अजियत नहीं दे रही अबू जान, मैं जब सांस लेती हूँ ना तो ऐसा लगता है कि मैं कहाँ से निकल रही हूँ। मैं क्या करूँ बता, मैं क्या करूँ? सब अच्छे
वैसे भी आज के दिन मुंह दिखाई के बगैर इतनी ज्यादा गुफ्तगू अच्छी भी नहीं लगती। तुम्हारे लिए गहरा जख्म लगवा लिया सनी, और जो दिल पे लगे हैं वो काश वो नजर आते। मरहम लगाया जा सकता, कैसी है? ठीक है, खतरे की कोई बात नहीं। ये समीन का खून है ना? अपने कपड़े निकाल दो प्लीज। चाची की हालत कितनी खराब थी, और चाचू की भी, चाचू स्टेज से चल गए। बिल्कुल ठीक है, देखते हैं हमें सब ठीक। उन्होंने कभी ऐसे नहीं किया। सब ठीक है। लेकिन हमजा ये सब कुछ ठीक हो सकता है, ये सब कुछ ठीक हो सकता है, बस तुम मुझे छोड़ दो। छोड़ दो मतलब? बस मुझे छोड़ दो मतलब तुम मुझे तलाक दे दो। तकदीर जब से तुझसे जुड़ी है, जामे मोहब्बत जहर।